नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुपमा साहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं इस वक्त आप लोगों के साथ आपका जो फर्स्ट पेपर है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र में सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, उसकी चर्चा कर रही हूं। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जिसे हिंदी में संरचनात्मक प्रकार्यवाद कहा जाता है और जो समाजशास्त्र का सबसे डोमिनेंट पर्सपेक्टिव और सबसे क्लासिकल पर्सपेक्टिव भी माना गया है, उसके बारे में आपको जानकारी दी थी और उसकी मौलिक प्रस्तावनाएं क्या क्या हैं इसके संबंध में हमने जाना और समझा था। अब आपके सिलेबस में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के परिप्रेक्ष्य को जो अलग अलग विद्वानों ने अपना योगदान दिया है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। और इसी क्रम में आज हम A.R. रेटक्लिफ ब्राउन का जो कंट्रीब्यूशन है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को, उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज हम इस चर्चा का पहला भाग देखेंगे। हम प्रारंभ करेंगे इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, बौद्धिक पृष्ठभूमि से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, A.R. रेटक्लिफ ब्राउन वॉज बॉर्न इन 1881 एंड वॉज अ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ही अलॉन्ग विद मिलिनोस्की आर रिगार्डेड एज द पायनियर्स ऑफ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी। रेटक्लिफ ब्राउन का जन्म 1881 में इंग्लैंड में हुआ था और वो एक ब्रिटिश मानव शास्त्री थे। मेरा विचार है कि आप सब लोग जानते होंगे कि मानव शास्त्र क्या होता है। मानव शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध मुख्यतः आदिम जनजातियों के अध्ययन से होता है। एक मानव शास्त्री आदिम जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन का संपूर्ण अध्ययन करता है। चूंकि A.R. रेटक्लिफ ब्राउन भी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने भी भारत सहित दुनिया भर की अनेक जनजातियों का व्यापक, विस्तृत और गहन क्षेत्रीय अध्ययन किया था। और उनका जो ये सिद्धांत है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का, वह भी इन्हीं क्षेत्रीय अध्ययनों पर आधारित है। और उन्होंने जो अपनी अध्ययन पद्धति विकसित की, वह भी अपने क्षेत्रीय अध्ययनों के आधार पर ही विकसित की। ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी को उनके योगदान को देखते हुए ही उनके सहकर्मी मिलिनोस्की के साथ उन्हें ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी का प्रणेता कहा गया है। Brown's thought and ideas were greatly influenced by the works of noted French sociologist Émile Durkheim, who too had conducted extensive fieldwork in the tribal communities of Australia. Rutledge Brown जो है वे French sociologist Émile Durkheim के कार्यों से अत्यधिक प्रभावित रहे थे। Émile Durkheim के नाम और काम से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। पिछली कक्षा में एमए प्रीवियस में आपने दुर्खिम का जो समाजशास्त्र को योगदान है उसके बारे में विस्तार से पढ़ा है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के साथ साथ समाजशास्त्रीय पद्धति को भी उनका महती योगदान रहा है और उसका विस्तार से अध्ययन आप कर चुके हैं। तो आप यह भी जानते हैं कि दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अनेक जनजातीय समुदायों का अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर ही उन्होंने धर्म के बारे में जो सिद्धांत है वह विकसित किया, जो बाद में एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ के नाम से प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार ब्राउन जो हैं, वे दुर्खिम के विचारों से, दुर्खिम की के कार्यों से अत्यधिक प्रभावित रहे। ब्राउन वॉज पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय दुर्खिम्स असर्शन ऑफ द प्राइमेसी ऑफ सोसाइटी ओवर इंडिविजुअल। अब जिन लोगों ने भी दुर्खिम को बहुत ध्यान से पढ़ा और समझा है, वो इस बात से वाकिफ है, उन्हें इस बात का ज्ञान है कि दुर्खिम के समाजशास्त्र का जो केंद्र बिंदु था, जो मुख्य विचार था, वह यह था कि समाज सर्वोच्च है, समाज सुप्रीम है और व्यक्ति जो है वह गौण है। और इसीलिए दुर्खिम ने हमेशा इस बात पर बल दिया कि समाज के अध्ययन में हमें व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। हम व्यक्ति के आधार पर समाज को नहीं समझ सकते हैं और इसलिए
समाज को केवल सामाजिक तथ्यों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। तो ये जो आइडिया है जिसमें दुर्खीम समाज को सर्वोपरि मानते हैं, सर्वोच्च मानते हैं, इस विचार से भी रेडक्लिफ ब्राउन अत्यधिक प्रभावित रहे। रेडक्लिफ ब्राउन का जन्म हुआ था एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी चार्ल्स डार्विन्स पाथ ब्रेकिंग वर्क ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड हिज थियरी ऑफ एवोल्यूशन हैड टेकन द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड इन यूरोप बाय स्टॉर्म। तो 1881 में रेडक्लिफ ब्राउन का जन्म हुआ और लगभग इसी समय में 19वीं शताब्दी की समाप्ति और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ का जो समय था वह ऐसा समय था जिसमें चार्ल्स डार्विन जो प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री थे उनकी जो पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो 1859 में प्रकाशित हुई थी उसमें उनके द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था उद्विकास का, उसने उस समय के जो बौद्धिक जगत था यूरोप का उसको एक तरह से हिला कर रख दिया था। क्योंकि यह जो जैविक उद्विकास का जो सिद्धांत था जिसमें उन्होंने बताया कि जीवों का विकास सरल से जटिल की ओर एक सीधी रेखा में हुआ है, यह जो सिद्धांत है उसने वो एक तरह का क्रांतिकारी सिद्धांत था उस समय, और उसने उस समय का जो बौद्धिक जगत है यूरोप का उसको सोचने पर मजबूर किया, उसे आंदोलित किया, उसे अत्यधिक गहरे ढंग से प्रभावित किया। Under the impact of the evolutionary fervor of the day, sociologists like Herbert Spencer and anthropologists like Tyler and Morgan had started presenting schemes of evolution of society and culture. तो चूंकि उस समय एक जबरदस्त माहौल था उद्विकासवादी सिद्धांत के को लेकर, तो बहुत सारे जो विद्वान थे उस समय के जो प्राणी शास्त्र से इतर जो सामाजिक विज्ञानों में काम कर रहे थे जैसे समाज शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर या मानव शास्त्री टाइलर और मॉर्गन, वे भी इस सिद्धांत से प्रभावित हुए और उन्होंने यह विचार सामने रखा कि जिस तरह से जीवों का सरल से जटिल की ओर विकास हुआ है संभवतः समाज और संस्कृतियों का भी उसी प्रकार सरल से जटिल की ओर विकास हुआ होगा। तो उन्होंने एक तरह से यह हाइपोथेसिस या उत्कल्पना सामने रखी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की, और उन्होंने कई तरह के सिद्धांत और कई तरह की योजनाएं समाज और संस्कृति के उद्विकास की सामने रखना प्रारंभ कर दिया था। द हाइपोथेसिस ऑफ सोशल इवोल्यूशन वॉज डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी। तो ये जो सामाजिक उद्विकास की जो नई उपकल्पना थी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट सामने रख रहे थे उसका आधार किस में था, उसका आधार ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी में था यानी जीव सादृश्य में था। जीव सादृश्य के बारे में भी मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। जीव सादृश्य या जैविक सादृश्य की जो अवधारणा है वो यह कहती है कि जिस तरह से जीव के शरीर की एक संरचना होती है उसी तरह से समाज की भी एक संरचना होती है। जैसे जैविक संरचना में हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, उनका संरचना में एक निश्चित स्थान है, उसी प्रकार से समाज की भी एक संरचना है और समाज की जो अलग अलग अंग हैं, उनका उस संरचना में एक निश्चित स्थान है। जैसे हमारे शरीर में आँख है, नाक है, कान है, गला है, हृदय है, किडनीज है, इंटेस्टाइन्स है, लिवर है, सब अलग अलग अंग है जिनका हमारे शरीर के ढांचे में हमारे शरीर की संरचना में एक निश्चित स्थान है। उसी प्रकार समाज की जो संरचना है उसमें समाज की जो अलग अलग अंग हैं जो उसकी सामाजिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, न्यायिक संस्थाएं हैं, अलग अलग जो समाज के अंग हैं उनका भी सामाजिक संरचना में एक निश्चित स्थान है। जिस प्रकार जीव की संरचना में जो अलग अलग अंग हैं उनका अपना अपना एक विशिष्ट कार्य है, उसी प्रकार से समाज की संरचना में भी जो अलग अलग अंग हैं उनका अपना अपना विशिष्ट कार्य है, और जिस प्रकार जैविक संरचना में अलग अलग भाग अपना अपना विशिष्ट कार्य करते हुए शरीर की व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देते हैं, उसी प्रकार समाज की संरचना में समाज के अलग अलग भाग अलग अलग
अंग मिलकर अपना अपना विशिष्ट कार्य करते हुए समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देते हैं। तो ये जैविक सादृश्य है कि जीव और समाज एक समान है। तो सोशल ऑर्गेनिज्म इस आइडिया को कहा गया। और प्रारंभिक जो समाज शास्त्री थे, चाहे वो कोम्ब हो, दुखी हो, स्पेंसर हो, सबने इस आइडिया को सपोर्ट किया, उसका समर्थन किया। The concept of organismic analogy had gained wide currency among the intellectuals of the time, and Brown was no exception. तो ये जो जैव सादृश्य है, ये जो जीव सादृश्य है, ये जो सोशल ऑर्गेनिज्म की अवधारणा है कि समाज जीव के समान ही है, यह आइडिया उस समय के जो बौद्धिक जगत के लोग थे, जो बुद्धिजीवी थे, उनमें काफी प्रचलित हुआ, उनमें काफी पॉपुलर हुआ, लोकप्रिय हुआ। और उस माहौल में चूंकि रेटले ब्राउन भी काम कर रहे थे, तो वो भी इस आइडिया से, इस विचार से अप्रभावित नहीं रह पाए। Thus, on the one hand, he was influenced by Durkheim's idea of societal supremacy, and on the other hand, he was also influenced by the concept of organismic analogy. तो हम देख सकते हैं स्पष्ट रूप से ब्राउन के ऊपर दो तरह की विचारधाराओं का या दो प्रकार के अवधारणाओं का असर उस समय था। एक तरफ वो दुर्खिम की सोसाइटल सुप्रीमेसी की अवधारणा से कि समाज ही सर्वोपरि है, इस अवधारणा से प्रभावित थे, और दूसरी तरफ वो ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी से भी प्रभावित थे, जीव सादृश्य से भी प्रभावित थे, जो यह मानती है कि जीव और शरीर एक समान है, दोनों की अपनी अपनी संरचनाएं होती हैं, दोनों अलग अलग भागों से बना हुआ एक सिस्टम है। तो इस तरह से ये दो प्रमुख अवधारणाएं हैं जिन्होंने ब्राउन को अत्यधिक प्रभावित किया। These two concepts laid the foundation for his formulation of the structural functional perspective. तो जो उन्होंने अपना संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य विकसित किया, उसके आधार में ये दो अवधारणाएं मुख्य रूप से रही। कौन सी? सोसाइटल सुप्रीमेसी, समाज की सर्वोच्चता, और ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी अर्थात जीव सादृश्य। ये दोनों आधार बने ब्राउन के स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव के। तो आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसमें इतना ही। हम आगे भी, आगे के वीडियोस में भी A.R. Rattle ब्राउन का जो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड है उसके बारे में और जानकारी लेंगे, और साथ ही जो उनके विचार हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को लेकर के, उसका भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। मुझे लगता है कि आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन रहा वो आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और Rattle ब्राउन की जो फॉर्मुलेशन है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को लेकर, उसको समझने में मदद करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।